साथियों, एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार किसी भी आए लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है। लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बीते वर्षों में देश ने ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपा सरकारों की डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है। गरीबों को पक्के घर से लेकर शौचालय के निर्माण तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर उज्ज्वला तक, हर घर जल से लेकर हर गरीब को बैंक खाते तक, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करूं तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।